हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना 12th फिजिकल का नया चैप्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये 12th क्लास फिजिकल का। और बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया और कमेंट भी किया था कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो आ गया वो दिन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक एक सिंगल क्वेश्चन सारे बनेंगे आपसे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते जाना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है बहुत ईजी होता है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बस समझने की बात है। तो जहां मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉपी और पेन लेके बैठना, सारी चीजें एक एक करके नोट करते जाना और सब समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जितने टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, पुराने क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसको वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। गैल्वेना और वोल्टा दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन लिखेंगे, बेसिक डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है ये लिखेंगे। द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ध्यान से देखना जरा, डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन होंगी और केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, सीधी सी कहानी है। तो केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शन होना, केमिकल रिएक्शन कैसे होंगे उसको समझने के लिए एक एग्जांपल है हमारे सिलेबस में जिसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है, जिसको बोलते हैं अपन डेनियल सेल, ठीक है। तो डेनियल सेल का कैसा डायग्राम होता है, क्या वर्किंग होती है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। पहले अपन डेनियल सेल का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ डायग्राम बनाते जाओ, ठीक है, बहुत ध्यान से बनाना डायग्राम। इसमें क्या है, दो कंपार्टमेंट होते हैं डेनियल सेल में, दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। बहुत ध्यान से बनाना डायग्राम, एक कंपार्टमेंट ये है। इस कंपार्टमेंट में क्या होता है, ZnSO4 का सॉल्यूशन, क्या होता है ZnSO4 का सॉल्यूशन 1 मोलर, तो 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन होता है, और इसमें Zn की रॉड डली होती है, ठीक है। इसमें क्या है, Zn की रॉड डली हुई है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये है मेरे पास क्या, जिंक रॉड या जिंक इलेक्ट्रोड बोल सकते हो इसको। तो क्या है इस कंपार्टमेंट में, Zn की रॉड है और ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक बात। एक दूसरा कंपार्टमेंट है राइट साइड, और इस कंपार्टमेंट में क्या होता है, इस कंपार्टमेंट में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। यहां पर किसका होता है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट, 1 मोलर CuSO4, ठीक है। और इस तरफ रॉड डली होती है कॉपर की, तो जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी है, कॉपर की। तो ये है मेरे पास Cu रॉड, ठीक बात। यहां तक दो कंपार्टमेंट, ZnSO4 का सॉल्यूशन, Zn की रॉड, कॉपर SO4 का सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर की रॉड। एक्सटर्नली ये कनेक्टेड रहते हैं वायर से, यहां पर एक स्विच लगा है, यहां पर वोल्टमीटर लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा आपको। और इंटरनली ये कनेक्टेड होते हैं, ये उल्टा यूट्यूब होता है ऐसा, है ना, सीधे यूट्यूब पे तो अपन वीडियो बना रहे हैं, उल्टा यूट्यूब ये होता है। तो इसको बोलते हैं अपन सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे कर दो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, अभी मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, ZnSO4 का सॉल्यूशन एक कंपार्टमेंट में, Zn की रॉड, दूसरे में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर की रॉड, एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट
रहते हैं और यहां पे स्विच लगा है और इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट रहते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। अब जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो कुछ कुछ होता है भाई, स्विच क्लोज हो जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, अब यहां करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। कैसे, ध्यान से देखना, इधर क्या होता है, जो Zn है यहां पर, Zn की रोड थी, Zn है, ये कन्वर्ट होता है Zn2+ में, कहां पर, लेफ्ट साइड, क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, ठीक, इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, ठीक। और राइट साइड क्या होता है, कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन से दो इलेक्ट्रॉन लेके ये बना लेता है कॉपर, मतलब यहां पर जो जिंक सॉलिड है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो मैं एक्वस लगा रहा हूं, यहां एक्वस और यहां सॉलिड, ठीक है। तो जो Zn सॉलिड था वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आयंस में, सही है ना, और जो कॉपर के आयन थे यहां पर वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर में। तो होगा क्या, यहां से Zn हटता जाएगा, सॉल्यूशन में जाता जाएगा, मतलब यहां पर Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी कंपेरिजन टू SO4 2-, सही बात है। और यहां कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन से कॉपर कन्वर्ट हो रहा है ना, मतलब सॉल्यूशन से कॉपर टू पॉजिटिव हटता जाएगा, मतलब कॉपर टू पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है और SO4 2- कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। तो होगा क्या, यहां से ये रॉड पतलू होती जाएगी और ये मोटू होती जाएगी, भाई कॉपर यहां डिपॉजिट हो रहा है ना इस रॉड पे, तो यहां से Zn वाली रॉड पतलू होगी और ये मोटू होती जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। अब यहां पे दो रिएक्शन लिखी है, एक लेफ्ट साइड लिखी है, एक राइट साइड लिखी है। तो जो लेफ्ट साइड वाली जहां रिएक्शन लिखी है उसको हम बोलते हैं एनोड, लेफ्ट साइड क्या बोलते हैं, एनोड। तो पहला क्वेश्चन यही जनरेट होता है कि एनोड पर क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, बताओ, ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, या तो ऐसे देख लो या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, सही ना, दोनों तरीके से देख सकते हो। इस तरफ वाले पार्ट को बोलते हैं अपन कैथोड, तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो कैथोड पर रिडक्शन कैसे हुआ, आप कैसे चेक करोगे, कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है कॉपर जीरो में, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है तो रिडक्शन, या इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन, सीधी सी बात है ना, दोनों तरीके से आप रिडक्शन बोल सकते हो। अब होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां हुआ, तो बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के फ्लो के क्या होता है, अपोजिट। तो करंट का फ्लो, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है, तो करंट का फ्लो किस तरफ होगा, इस तरफ, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। तो यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि करंट का फ्लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कहां से कहां होता है, तो आपका आंसर होगा कैथोड से एनोड की तरफ, करंट का फ्लो ऐसा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है, एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। एनोड को नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हो, कैथोड को पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है। तो जैसे ही करंट का फ्लो हुआ तो यहां पर डिफ्लेक्शन दिख जाएगा आपको, और इस पर्टिकुलर सेल के लिए जो यहां पर वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन आता है वो 1.1 वोल्ट होता है, जिसके बारे में भाई थोड़ी देर बाद बात करेंगे अपन, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब समझाऊंगा। अभी सिंपल वर्किंग समझ लो क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही स्विच क्लोज किया कुछ कुछ हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, कहां से कहां हुआ, एनोड से कैथोड हुआ, तो करंट कहां से कहां फ्लो हुआ, कैथोड से एनोड हुआ। क्या रिएक्शन हुई जिस वजह से इलेक्ट्रॉन निकले, एक ये वाली और एक ये वाली, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, यहां इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहां पर Zn सॉलिड कम हुआ, Zn2+ बढ़ता गया, ये रहा Zn2+ बढ़ता गया कंपेयर टू SO4 2-, यहां कॉपर टू पॉजिटिव कम होता गया कंपेरिजन टू SO4 2-, ये कहानी है। अब ये तो हो गई बाहर वाली बात, इसके बारे में तो हमने बात करी नहीं, तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले, उससे पहले, अगर मैं एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन को इंडिविजुअल ट्रीट करूं, तो एनोड की रिएक्शन को बोलते हैं एनोडिक हाफ रिएक्शन, ये होती है कैथोडिक हाफ रिएक्शन, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट सेल रिएक्शन अपनी आ जाएगी, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं। तो बहुत ध्यान से लिखना, नेट सेल रिएक्शन, क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, क्या दिखेगा, Zn प्लस CU2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव और कॉपर, जो आयन है उसमें एक्वस लिख देते हैं और जो मेटल है वहां सॉलिड लिख देंगे। तो ये हो गई आपकी नेट सेल रिएक्शन। अब जो नेट सेल रिएक्शन होती है, इन सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन ना देके क्वेश्चन में आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। ये तो एक नेट सेल रिएक्शन वाला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं सेल
रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस तरीके से बनाते हैं। देखो दो डंडे वे यहां लगाएंगे, एक डंडा इधर एक इधर। इसका मतलब क्या है, ये जो डंडे लगाए हुए हैं, ये बीच में जो डंडे लगे हैं, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज अभी डिटेल में इसके बारे में भी समझने वाले हैं हम, है ना। अभी मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना बता रहा हूं। अब जो दो डंडे हैं उसके लेफ्ट साइड हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और राइट साइड लिखते हैं रिडक्शन हाफ। जैसे ऑक्सीडेशन हाफ मतलब ZN से क्या बन रहा है, ZN2 पॉजिटिव। तो इसको ऐसा पढ़ते हैं, ZN से ZN2 पॉजिटिव ऐसा लिखो, ठीक है। ये सॉलिड है और ये एक्वस है। एक्वस है तो उसके लिए नीचे कॉन्सेंट्रेशन भी उसकी डिफाइन करनी होती है, 1 मोलर ली थी हमने, ठीक। राइट साइड क्या लिखते हैं, कैथोडिक हाफ मतलब ये वाला, तो इसका क्या लिख दो, रिडक्शन। कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर, ये सॉलिड ये एक्वस और इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे, स्टेट लिखना जरूरी है यहां पे। तो ये होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। इसका एक और तरीका बताता हूं, मैक्सिमम केसेस में इजी पड़ेगा आपके लिए। क्या अगर मान लो आपसे बोला गया है सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी, सेल रिएक्शन लिख के बताओ, तो आप क्या करोगे, इधर खड़े हो जाओ इस जगह, ठीक है। ऐसे हाथ फैला लो, इधर क्या है लेफ्ट, इधर राइट, इधर खड़े हो जाओ, इधर लेफ्ट और इधर राइट, इधर खड़े हो जाओ, इधर क्या है लेफ्ट और इधर राइट। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से जोड़ दो, बहुत सारे केसेस में आपके आंसर आ जाएंगे, एक्सेप्ट क्लोरीन वाला। तो क्लोरीन के लिए जब मैं सेल रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा तो वहां अच्छे से समझा दूंगा कैसे लिखना है। बाकी मैक्सिमम जितने भी मेटल वाले आपको इलेक्ट्रोड मिलेंगे उसमें आप ये लगा सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से आप जोड़ दो, तो सीधे आप यहां पहुंच गए। देख लो, ZN plus U2 positive और ZN2 positive plus U। लोगों को दिक्कत इसी में ही होती है कि भाई साहब सेल रिप्रेजेंटेशन दिया, हम रिएक्शन कैसे बनाएं। तो आप लेफ्ट राइट खेल लो, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से जोड़ दो, आपकी सेल रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई सेल रिएक्शन, ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। इतना नोट करो, फिर अपन सेल पोटेंशियल और सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी समझेंगे, तो पूरा का पूरा वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी। नोट कर लो पहले से। तो अभी हमने बात की सेल रिएक्शन की, सेल रिप्रेजेंटेशन की, अब हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो अपने पास एक हायर पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल पर इलेक्ट्रोड है। हायर पोटेंशियल पर कैथोड होता है, लोअर पर क्या होता है एनोड होता है। तो जब ये दोनों अपने पास इलेक्ट्रोड थी तो ये दोनों तो हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस देंगी ना, जो आपको ऊपर वोल्टमीटर में दिखेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस डेनियल सेल का कितना होता है, जिसको हम बोलते हैं ई नॉट सेल। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको सेल का पोटेंशियल लिखना हो तो लिखते हैं ई सेल, ठीक है, जिसको अपन ई एम एफ ऑफ दी सेल भी बोलते हैं, बात बराबर है। तो ई सेल मतलब ई एम एफ ऑफ दी सेल। नॉट क्यों लगाया, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट है। नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या हो गया, 1 atm प्रेशर पर सारी बातें चल रही हैं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारी बातें चल रही हैं, ठीक है। तो E नॉट लगाने का मतलब यह है, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपके पास आयंस की, 1 मोलर, ठीक है, यह भी एक कंडीशन है। अब ये जो E नॉट सेल है वो डेनियल सेल के लिए होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है, इसको आपको ध्यान भी रखना है। अब ये जो E नॉट सेल है, ये तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस से पता चला ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ एनोड का कितना पोटेंशियल लिया, तो आप अभी नहीं बता सकते। कैथोड का कितना लिया, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। अभी आप क्या पता कर सकते हो, ZN और कॉपर से जो डेनियल सेल बनी है आपकी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हो, जो कि 1.1 वोल्ट है। अब 1.1 कैसे भी आ सकता है भाई, दो चीजों का डिफरेंस लेकर 1.1 बना सकते हो, इंडिविजुअल थोड़ी पता हमें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चीज यहां कवर कर रहा हूं, बाकी डिटेल में SHE में बताएंगे। जैसे E नॉट सेल लिखा गया होगा तो कैसे लिखा गया होगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हो, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यही लिखा होगा ना भाई। पोटेंशियल डिफरेंस तो आप ऐसे लिखते हो ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब हायर पोटेंशियल पर कौन था, कैथोड, तो ऐसा लिखा होगा E नॉट किसका, कैथोड का, माइनस E नॉट किसका, एनोड का। मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया गया होगा, उनका डिफरेंस निकाल के 1.1 वोल्ट आया होगा, ऐसा ही हुआ होगा ना, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन से चलता हूं तो। अब IUPAC ने हमें ये बोला है, ध्यान से सुनना अब ये बात,
ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। बहुत ध्यान से समझना। तीन बार मैंने इसलिए बोला क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, आईयूपीएससी ने हमें यह बोला कि ईनोट जो आपको लेना है वो रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है। यहां भी क्या लेना है, रिडक्शन। अब फंस गए भाई साहब, क्या एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता था तो यहां तो रिडक्शन ले रहे हो, कैथोड पर तो रिडक्शन था तब तो ठीक है, लेकिन एनोड का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना था। नहीं भैया, ऐसे मत कर देना। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल जब आप लिख रहे हो तो वो जो पोटेंशियल है आईयूपीएससी ने बोला उनको लेना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ईनोट रिडक्शन। भले ही रिएक्शन, देखो सीधी सी बात है ना, रिएक्शन तो रिडॉक्स है, एक जगह ऑक्सीडेशन एक जगह रिडक्शन हो रहा था, दोनों ऐड किए तो रिडॉक्स रिएक्शन, ये तो हमें बात समझ में आती है। लेकिन जब पोटेंशियल आप लिख रहे होगे तो उस टाइम पे तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल, भले ही पोटेंशियल ऑक्सीडेशन दिया हो। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा वो मैं न्यूमेरिकल जब करूंगा तब ध्यान से देखना, अभी अपन बेसिक थ्योरी कवर कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप पोटेंशियल लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन टू बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये बात बिल्कुल दिमाग में घुसा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही लोगों का कंफ्यूजन बढ़ता है और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। फिर से लाइन बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन टू बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है। तो ईनोड रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ईनोड रिडक्शन ऑफ एनोड। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ओके। तो ये वाली बात समझानी थी मुझे आपको, सेल पोटेंशियल डिफरेंस की या ईएमएफ ऑफ द सेल की। इससे रिलेटेड अभी हम एसएचई पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो वहां पे कवर हो जाएगा ये पॉइंट, वहां मैं आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो आगे का भी ध्यान से देखते जाना। चलो अब वापस आते हैं, सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात कर लेते हैं। हमने वायर से तो सारा समझा दिया, करंट फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, वो सब हमें समझ में आ गया। अब सॉल्ट ब्रिज का मेन समझ लो क्या चीज है ये, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे क्या, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये एक उल्टा यूट्यूब है। कैसा उल्टा, इस तरीके से हमने बनाया था, पीछे आप डायग्राम में देख सकते हो। अब इस यूट्यूब के अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे। तो इस यूट्यूब के अंदर होता क्या है, इसमें होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स मतलब जिलेटिन एल्बुमिन ये सब है ना। तो पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर पॉलीसेकेराइड के पेस्ट का नाम है अगर। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं प्लस अगर होता है। अगर क्या होता है, जो यहां पर हम पेस्ट भर रहे हैं वो आयंस के माइग्रेशन करने के लिए होता है। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कौन कौन से होते हैं, तो पहली बात हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ये लिखेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हेडिंग करके हम ऐसा लिखेंगे, द इलेक्ट्रोलाइट्स हुज आयंस डू नॉट टेक पार्ट इन मेन सेल रिएक्शन। हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसके आयन मेन सेल रिएक्शन में पार्ट ना लें, जैसे ZN से ZN2+ बन रहा था, copper2+ से copper बन रहा था डेनियल सेल में। अब हम इलेक्ट्रोलाइट यहां ऐसा भरेंगे जो आयंस के फॉर्म में ही रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए यूज किया गया है, सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, ठीक है। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से आपको मिलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे KCl, KNO3, NH4NO3, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपको यहां मिलते हैं। KCl वाला इलेक्ट्रोलाइट आप सिल्वर की अगर कोई इलेक्ट्रोड हुई तो यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सिल्वर अगर आ गया तो KCl का जो Cl- है वो Ag+ के साथ AgCl PPT बना लेगा, तो मेन सेल रिएक्शन को अफेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, KCl वाला आपको वहां नहीं लेना है जहां पर क्या हो रहा हो, PPT बन रहा हो, जैसे AgCl, PbCl2, Hg2Cl2, इस टाइप के सिल्वर, PB और Hg, क्या क्या बताया मैंने, जो ध्यान रखने वाले हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कौन कौन से ध्यान रखना है,
एक तो थैली सिल्वर हो गया, एक पीबी हो गया, एक थैलियम हो गया और एक एजी हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर मैं लिख देता हूं, केसीएल के बारे में लिख रहा हूं, केसीएल इज नॉट यूज इन सिल्वर इलेक्ट्रोड, पीबी ऐसे ले लो, टीएल, पीबी और एचजी। तो केसीएल किसमें यूज नहीं कर सकते? सिल्वर, टीएल, पीबी और एचजी। अगर ये इलेक्ट्रोड आए तो ये क्या करते हैं, एजीसीएल, टीएलसीएल, पीबीसीएल2, एचजी2सीएल2, ये पीपीटी हो जाते हैं, तो मेन सेल रिएक्शन को अफेक्ट कर देते। इसको याद भी कर लेना, इसको ऐसे लिख लेना, अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो आप, अजी थाईलैंड में प्यार हो गया। तो ये केसीएल आपको यहां पर यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो हमने लिए इलेक्ट्रोलाइट, इसका फंडा क्या है, क्यों लिए ये? उसका फंडा ये है कि आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, मतलब आयन भाग रहा है सॉल्यूशन में। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन ये नियरली इक्वल टू होना चाहिए किसके, आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, ये ध्यान रखना। तो ये फंडा है इसका, मतलब जितना तेजी से कैटायन भागे उतना तेजी से क्या भागना चाहिए, एनायन। जैसे मान लो मेरे पास सॉल्ट ब्रिज के अंदर KNO3 था, अब ध्यान से सुनना बात को, K प्लस है और NO3 माइनस है। लेफ्ट साइड क्या हो रहा था, इधर जो अपने पास कंटेनर था वहां क्या हो रहा था, ZN2 प्लस बढ़ रहा था SO4 2 माइनस के कंपैरिजन में, सही बात है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ रहा था, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयन जाएगा इधर। तो ये भी क्वेश्चन है, सॉल्ट ब्रिज से कौन सा आयन किस तरह माइग्रेट करता है, नेगेटिव आयन, एन आयन माइग्रेट करता है एनोड की तरफ सॉल्ट ब्रिज से। इधर क्या हो रहा था, कैथोड की तरफ, CO2 पॉजिटिव कम हो रहा था, SO4 2 माइनस बढ़ रहा था, तो एनायनिक चार्ज बढ़ रहा था, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए ये जो पॉजिटिव आयन है वो इधर माइग्रेट करेगा। अब जितना तेजी से ये भागे उतनी ही तेजी से ये भागना चाहिए, तो इन आयन्स की आयनिक मोबिलिटी नियरली सेम होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अच्छे से हो जाएगी। तो K प्लस यहां जाएगा और SO4 2 माइनस का चार्ज कम कर देगा, ऐसा होता है। अब मेन चीज क्या है, इसके फंक्शन, ये तो मैंने बता दिया सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। एक उल्टा यूट्यूब है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, पेस्ट ऑफ पॉलीसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड के पेस्ट को क्या बोलते हैं हम, अगर अगर बोलते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयन मेन सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। केसीएल को कहां यूज नहीं कर सकते हैं, इनमें, अजी थाईलैंड में प्यार हो गया, ठीक है, इनमें, क्योंकि ये पीपीटी बना लेंगे सीएल माइनस के साथ। और क्या फंडा है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेने का, आयनिक मोबिलिटी कैटायन की और एनायन की नियरली इक्वल होनी चाहिए। अब मेन फंक्शन लिख लेते हैं क्या है, मेन फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो सॉल्ट ब्रिज के मेन फंक्शंस क्या हैं, बहुत ध्यान से लिखिएगा। पहला है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सही है ना, ये जो आयंस का फ्लो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां कैटायनिक चार्ज बढ़ रहा था, यहां एनायनिक बढ़ रहा था, है ना। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक। दूसरा, टू कंप्लीट इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन, आपको दोनों सॉल्यूशन को मिक्स नहीं करना, अलग अलग रखे हैं, इनर सर्किट कंप्लीट कर रहा है, बाहर से तो वायर से कनेक्टेड था, अंदर से सॉल्ट ब्रिज से कर दिया। और तीसरा, टू रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मान लो आपने सॉल्ट ब्रिज में ये नहीं भरा, आपने खाली उल्टा यूट्यूब लगा दिया, कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, कोई पेस्ट नहीं, ठीक है। अगर सपोज आपने इस तरीके से खाली एक यूट्यूब लगा दिया, तो होगा क्या, लेफ्ट साइड सॉल्यूशन था, अच्छा लेफ्ट साइड क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और ये तो खाली है, तो भाई चार्ज इस तरफ भी तो जाएगा इधर। और राइट साइड क्या हो रहा था, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, ये तो खाली है,
आपने कुछ नहीं भरा तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब होगा क्या, यहां पर इस जगह एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। क्यों? कैटायन भी है और एनायन भी है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इससे सेल की वर्किंग को अफेक्ट करेगा। तो इसको कम करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हम अंदर पेस्ट भर देते हैं और यहां पर इस जगह कॉटन वूल लगा देते हैं ताकि जो आयंस है नीचे से जो आयंस है उनका फ्लो ना हो पाए, जो सॉल्ट ब्रिज से आयन है वो फ्लो कर पाए। तो यहां पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा था कैटायन और एनायन की वजह से उसको रिड्यूस कर देता है ये। समझ गए बात को? तो ये फंडा है पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड थ्योरी का। क्या क्या हमने देखा? हमने वर्किंग समझी डेनियल सेल की और सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या फंडे होते हैं वो सारे के सारे हमने समझे। ठीक है, अब मैं आपको पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा कि पोटेंशियल किस तरीके से अफेक्ट होता है। ये वाले पोटेंशियल के बारे में हम बात करेंगे। क्यों? मैंने अभी बोला था कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चलता है, आपको इंडिविजुअल थोड़ी पता है, आपको ये थोड़ी पता है कि कैटायन का कितना है एनायन का कितना है। तो वही हम सब निकालेंगे, तो उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। लेकिन उसके पहले मैं आपको सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं एसएचई पे आऊंगा। पहले आप ये नोट कर लो अच्छे से। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना जरा कैसे आपको क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा वहां से रिलेटेड हो सकते हैं एग्जाम में। आपको ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, ठीक है, फॉर गैल्वेनिक सेल, ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है। आपको सेल रिएक्शन लिखनी है और इनोट सेल निकालना है, दोनों के इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकाल के पहले से दे रखे हैं। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन यहां पे लिखा है, ये मैं समझाऊंगा फिर आप ये ट्राई करना, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे करना है। जैसे ये मेरे पास सेल रिएक्शन दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा सेल रिएक्शन में, मैंने बताया था सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा यहां खड़े हो जाऊंगा, ये लेफ्ट ये राइट, यहां खड़े हो जाओ, ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से जोड़ दो। अगर मेटल की इलेक्ट्रोड से तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, गैसियस इलेक्ट्रोड में थोड़ा अलग रहता है, उसका भी बताऊंगा कैसे करना है। तो क्या करना है, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से जोड़ दो, तो Zn प्लस U2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गई भाई साहब आपकी सेल रिएक्शन, बहुत ध्यान से समझना बात को, है ना। तो ये क्या हो गई आपकी सेल रिएक्शन, तो इस तरीके से सेल रिएक्शन लिखते हैं। अब मुझे E नॉट सेल निकालना है, तो आप मुझे एक बार बताओ E नॉट सेल हम क्या लिखा करते थे, E नॉट सेल होता था E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, ऐसा ही लिखते थे। अब E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप चेक करो जरा, पहली बात ये कि कौन कैथोड पे कौन एनोड पे। मैंने आपको बताया था सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड पार्ट है और ये कैथोड है, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर, क्लियर बात। अब मुझे बताना है ये हायर पोटेंशियल पर है तो कैथोड ये हो गया, ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल पर है तो एनोड ये हो गया। लेकिन आप जरा यहां गौर से देखो, प्लस टू से कहां जा रहे हो, यहां मैं जीरो लिख सकता हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, प्लस टू से जीरो रिडक्शन, मतलब ये तो मुझे बिल्कुल सही दे रखा है। लेकिन यहां गौर से देखो, जीरो से प्लस टू है तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये मुझे गलत दे रखा है उन्होंने, तो मैं इसको करेक्ट करूंगा, मतलब इसको मैं सही करूंगा, कैसे, E नॉट रिडक्शन लिख के। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना बहुत ही, E नॉट Zn2 प्लस से Zn और यहां मैं लगा दूंगा माइनस 0.76 वोल्ट, देख लो यहां प्लस था, तो जब कभी भी आप स्विच करते हो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन या रिडक्शन से ऑक्सीडेशन बनाते हो तो आपका साइन चेंज हो जाता है। तो बहुत ध्यान से देखो, अब क्या हो गया, प्लस टू से कहां चले गए, जीरो, तो अब मैं इस पोटेंशियल को रिडक्शन बोल सकता हूं, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि अब यहां रिडक्शन होने लगा, हम पोटेंशियल रिडक्शन लेते हैं, बहुत ध्यान से, है ना। तो E नॉट मैंने क्या ले लिया, रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, कितना, माइनस 0.76, ये क्या है, रिडक्शन ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में, प्लस 0.34, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ऐसे, मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। आपको यहां क्या दे रखा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपने उसको किसमें कन्वर्ट किया, आरपी में, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 1.1 वोल्ट, और ये मैंने बोला भी था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो 1.1 वोल्ट आता है, इसका आपको याद रखना है, बाकी किसी का याद नहीं करना, निकाल लेना है ना। आगे बढ़ो, अब ये वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, पॉज करो, जैसा मैंने सिखाया वैसे ट्राई करो और वापस आके चेक करो सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही आएगा आंसर, देखना अगर आपने मेरी पुरानी बातें ध्यान से सुनी है तो। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, क्या करना है, देखो यहां खड़े हो जाओ, ये लेफ्ट ये राइट, यहां खड़े हो जाओ, ये लेफ्ट ये राइट, सही बात है, बिल्कुल अच्छे समझो, बहुत मजा आएगा, चैप्टर बहुत आसान है,
लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो Fe प्लस सीयू टू पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस Cu, सही है। जो मेटल है वो सॉलिड हो गए, जो आयन में लिखे हैं वो एक्वस लगा देंगे, सॉल्यूशन हम एक्वस लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब ये हो गई सेल रिएक्शन सेल रिप्रेजेंटेशन से। अब मैं निकालूंगा E नॉट सेल, EMF ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड EMF जब आप निकालोगे E नॉट सेल तो कैसे लिखोगे बताओ, E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड ऐसे ही लिखा होगा, माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, बिल्कुल सही लिखा है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब देखना जरा कैथोड पर कौन है वो कैसे पता चलेगा, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड ये क्या है एनोड पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां रिडक्शन तो ये कैथोड पर, मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, सही है ना, बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। तो अब आप चेक करो जरा ये पोटेंशियल कौन से दे रखे हैं, देखना जीरो से प्लस टू ऑक्सीडेशन दे रखा है, मतलब इसको सही करना है, गलत लिखा है, तो इसको जब सही करोगे तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि E नॉट CU2 पॉजिटिव से CU ये हो जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट, सही है, ऐसे किया था, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से ये गलत दे रखा है, क्यों, जीरो से प्लस टू ऑक्सीडेशन दिख रहा है, इसको रिडक्शन दिखाओ, तो मैं लिख रहा हूं E नॉट Fe2 प्लस से Fe इज इक्वल टू माइनस 0.44 वोल्ट। जब भी आप पोटेंशियल को चेंज कर रहे हो, मतलब रिडक्शन को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन को रिडक्शन कर रहे हो, तो साइन चेंज कर देना, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑक्सीडेशन दे रखे थे, दोनों गलत दे रखे थे, उसको सही किया मैंने, रिडक्शन बनाया, रिडक्शन बनाया। अब आप पुट कर दो, तो E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड कौन सा 0.34 माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड कितना माइनस 0.44, इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 0.78 वोल्ट। चेक करो आपका आंसर सही है क्या, अगर सही है तो अपने लिए तालियां बजा लो, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, तरीके समझ लो, बहुत सारे क्वेश्चन के तरीके बताऊंगा मैं आपको डायरेक्ट करने के, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, ये दोनों क्वेश्चन कर लिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझेंगे, और उसमें हम ये समझेंगे कि ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के दे रखे हैं, हाफ रिएक्शन के दे रखे हैं, ये निकलते कैसे हैं, ठीक है। अभी तो आपको क्वेश्चन में गिवन था, इसको आप निकालते भी हो, किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE से, तो ये नोट करो, फिर अपन SHE पे चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब SHE के बारे में समझ लो, SHE हम पढ़ते क्यों हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड IUPAC ने एक इलेक्ट्रोड कंसीडर करी, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है ये, ठीक है, प्राइमरी रेफरेंस भी बोलते हैं, इसको लेकर हम किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए और उसका जो सॉल्यूशन होता है, मतलब इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल निकाल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेटल का भी नॉन मेटल का भी, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड क्या मान के चलना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अब ये होती क्या है, इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद अपन इसको अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। ध्यान से देखना जरा, SHE का मैं डायग्राम बना रहा हूं, सबसे पहले बहुत ध्यान से बनाना, आराम आराम से समझना, बहुत आराम आराम से। देखो एक अपने पास कंपार्टमेंट है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर मैंने भर दिया 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन, HCl ले सकते हो आप, है ना। तो इसके अंदर भर दिया मैंने 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन, HCl लिख सकते हो। अब इसमें क्या होता है, ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है, एक ग्लास की मेरे पास ट्यूब है कुछ इस तरीके से, इस ग्लास की ट्यूब में एक प्लेटिनम फॉइल और एक प्लेटिनम वायर रहता है, ठीक है। तो ये रहा अपने पास प्लेटिनम वायर, ठीक है, और इससे फॉइल अटैच्ड है, यहां पर प्लेटिनम की फॉइल अटैच है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, प्लेटिनम वायर, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, प्लेटिनम फॉइल, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर H2 गैस 1 atm प्रेशर पर डाली जाती है। तो यहां से H2 गैस डाली 1 atm प्रेशर पर, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, जो टेम्परेचर की कंडीशन है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होता क्या है, H2 गैस जैसे ही आई, तो अब ये जो प्लेटिनम फॉइल है ये है सॉलिड,
और यह है गैस। तो गैस का सॉलिड पर होता है एडसॉर्प्शन, और गैस का सॉलिड पर एडसॉर्प्शन होता है तो यहां पर दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है। क्या H2 कन्वर्ट हो H+ में, एक ही हो सकता है, और H+ कन्वर्ट हो H2 में, एक ही हो सकता है। ठीक, तो दो पॉसिबल रिएक्शन यहां पर होंगी। कब कौन सी लिखनी है वो बताऊंगा, पहले एक बार फिर से समझा रहा हूं। एक कंटेनर है, वन मोलर एसिडिक सॉल्यूशन भरा है, प्लेटिनम वायर लगा है, प्लेटिनम फॉइल लगी है ग्लास की ट्यूब के अंदर, और H2 गैस 180 पे डाली, ये कहानी है। अब ये जो प्लेटिनम वायर है इससे हम कोई और हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे, वो अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। अब मैंने क्या बोला था, H2 से H+ और H+ से H2, ये दो चीजें हो सकती हैं, तो वो कैसे कैसे लेना है। केस वन लिख रहा हूं मैं, इफ इफ एस एच ई एक्ट्स एज एनोड, अगर एस एच ई एनोड की तरह काम करे। देखो कैसे करना है, जैसे डेनियल सेल है, एक जगह जेडन था एक जगह कॉपर था, लेफ्ट साइड जेडन राइट साइड कॉपर था, तो मैं जेडन वाले कंपार्टमेंट को उठा के अलग कर दूं, वहां पर मैंने एस एच ई लगा दी, तो अब जेडन की जगह एस एच ई आ गया, तो अब वो एनोड की तरह काम करेगा, और कॉपर किसकी तरह काम कर रहा था, कैथोड की तरह। तो अगर एस एच ई एनोड की तरह काम करता है तो एनोड पे हम जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ऑक्सीडेशन, तो एच टू से क्या बनेगा, टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो आपको रिएक्शन लेनी है ये, अगर एस एच ई एनोड की तरह काम करेगा तो रिएक्शन ये, और ये एक हाफ रिएक्शन है, तो आईयूपीएसी ने इसका बोला कि हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो मानकर चलेंगे, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एस एच ई इज टेकन टू बी जीरो, हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो मानकर चलेंगे, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो मानकर चलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। ये हो गया केस वन। एक केस ऐसा भी हो सकता है, क्या, केस टू, इफ एस एच ई एक्ट्स एज कैथोड। अब आपने क्या करा, डेनियल सेल में कॉपर को हटा के वहां एस एच ई लगा दी, तो जेड एन तो तुम्हारा एनोड था, अब कॉपर की जगह एस एच ई आ गया, तो अब ये क्या बन गया, कैथोड। तो अब क्या होगा, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हो गया, ये गैस और ये एक्वस, और आईयूपीएसी ने हमें बोला कि ई नॉट रिडक्शन हमें क्या मान के चलना है, जीरो। तो रिएक्शन देख लो कौन सी, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है और ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है। जब एस एच ई कॉपर की जगह आएगा तो ये हो गया, जब एस एच ई जेड एन की जगह रिप्लेस करेंगे तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको रिप्लेस करके भी बता रहा हूं किस तरीके से करना, पहले आप ये नोट कर लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एस एच ई का यूज करके किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। जो बच्चे पहले से इसको पढ़ चुके हैं, जिनको समझ में नहीं आया था अपनी कोचिंग में, यहां पर बहुत ध्यान से समझना, और जो नए हैं उनको तो पूरा क्लियर समझ में आ ही रहा है। तो ध्यान से देखो जरा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn के लिए मुझे निकालना है। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास डेनियल सेल है, ठीक है, जिसमें Zn लगा हुआ है लेफ्ट साइड और कॉपर है राइट साइड, सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे Zn का पोटेंशियल निकालना है तो मैं कॉपर हटा के वहां SH लगा दूं, ठीक है, तो कैसा दिखेगा, ये कॉपर वाली साइड मान लो, उसको हटा के SH लगा दी, और इधर क्या है मेरे पास, इस तरफ है मेरे पास Zn, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इस तरफ मेरे पास क्या है Zn, तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। तो मैं कर क्या रहा हूं, Zn को तो वैसे ही रख रहा हूं डेनियल सेल में, और कॉपर हटा के मैंने क्या लगा दी, SH लगा दी। बहुत ध्यान से समझना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आज, है ना। तो ये अपना Zn जैसा था वैसा ही है, ठीक है। यहां मैं क्या लगा रहा हूं, सॉल्ट ब्रिज, तो ये लगा दिया मैंने सॉल्ट ब्रिज, और इस तरफ क्या रहता था, Zn की रॉड भी तो है यहां पे, तो यहां पर Zn की रॉड है, तो ये हो गई भाई साहब Zn की रॉड, ठीक, जिंक रॉड। बहुत ध्यान से देखना, सॉल्यूशन कितना लेते थे अपन, वन मोलर, किसका, ZnSO4 का, तो ये तो हो गया अपना क्या, वन मोलर ZnSO4, ठीक है। अब ये एक्सटर्नली किससे कनेक्टेड रहते हैं, वायर से, तो इस तरीके से मैंने क्या करा, एक स्विच बना दिया, और यहां वोल्टमीटर है जिसमें रीडिंग आएगी, और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने यहां प्लेटिनम वायर से, इस तरीके से। अब जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो कुछ कुछ होगा,
क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी। कैसे देखना जरा, ये क्या है एनोड, एनोड पर क्या होगा, Zn कन्वर्ट होगा किसमें, Zn2+ में, और दो इलेक्ट्रॉन देगा। और कैथोड, ये क्या है, कैथोड है ना, तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, तो दो एच प्लस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेंगे, एच टू। तो इस तरीके से ये दोनों हाफ रिएक्शन होंगे। अब इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दूंगा तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी हमारी, क्या आएगी देखो जरा, सेल रिएक्शन ये बनेगी, इन दोनों को ऐड कर दो तो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो ऐसा दिखेगा, जेड एन प्लस टू एच पॉजिटिव गिव्स जेड एन टू पॉजिटिव प्लस एच टू, ऐसा दिखेगा आपको। ये सॉलिड है, ये आयन है तो एक्वस, ये आयन है तो एक्वस, और यहां पर क्या आ जाएगा, गैस। अब ये क्या लिखी मैंने, ये लिखी मैंने सेल रिएक्शन। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे देखना, याद करो सेल रिप्रेजेंटेशन है ना, सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, दो डंडे बनाएंगे ऐसे, क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन मतलब एनोड और राइट साइड रिडक्शन मतलब कैथोड लिखते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जेड एन कन्वर्ट हो रहा है जेड एन टू प्लस में, और यहां पर एच प्लस रिड्यूस हो रहा है एच टू में। अब ध्यान से देखना जरा, यहां पर दो मोल लिखे हैं लेकिन हम सेल रिप्रेजेंटेशन में मोल नहीं लिखते, ठीक है, सिर्फ स्पीसी लिखते हैं। ये क्या है अपना सॉलिड, ये क्या है एक्वस, ये क्या है एक्वस, और ये क्या है गैस। सॉलिड के लिए कुछ नहीं लिखते, एक्वस के लिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन वन मोलर, इधर वन मोलर, और ये क्या था वन एटीएम गैस था ना। अब यहां पर हम ऐसे कॉमा लगा के इसकी जो वायर है, जो भी गैसेस इलेक्ट्रोड में वायर यूज करते हैं वो लिखते हैं प्लेटिनम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, सेल पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, ध्यान से देखना, सेल पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम सेल पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल, या स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलते हैं इसको, ई नॉट सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ई नॉट सेल क्या लिखोगे, ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ऐसे करते हो आप। हायर पोटेंशियल पर कौन है बताओ जरा, जो राइट साइड लिखा होता है वो हायर पे होता है, क्यों, इस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इस तरफ करंट का फ्लो होता है, और करंट फ्लो होता है हायर से लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल पर एस एच ई है। और आईयूपीएसी ने क्या बोला, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या लेके चलेंगे हम, क्या मानेंगे, जीरो माइनस, इधर मुझे क्या निकालना है, जेड एन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये निकालना है मुझे। और ई नॉट सेल तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि आपको यहां दिख जाएगा वोल्टमीटर में चमकता हुआ, तो मिलता है वो 0.76, एक्सपेरिमेंटल इसलिए डायरेक्ट डेटा लिख दिया। तो अपना ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन क्या आ गया, माइनस 0.76 वोल्ट। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से निकालते वो मैंने आपको समझा दिया। अब आप सेम यही क्वेश्चन पॉज करो अभी वीडियो को और कॉपर के लिए करो, उसमें क्या करना है, जेड एन को हटा के वहां एस एच ई लगा दो, तो एक नया सेल बनेगा, नई सेल इक्वेशन बनेगी, नया पोटेंशियल लिखोगे इसी तरीके से, ठीक है। तो पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर वापस आओ, तब मैं आपको ये बता रहा हूं, है ना। तो पहले ये नोट कर लो। चलो ट्राई किया आपने, अब देखो जरा ध्यान से क्या करना था। अब हम एस एच ई कहां लगाएंगे, एनोड की तरफ, ठीक है, और कैथोड पर अपना क्या हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड यहां पर लगाएंगे अपन कॉपर की, किस तरीके से ध्यान से देखना जरा। एक कंपार्टमेंट इधर और बना देता हूं, है ना, इस तरीके से, और इसमें कॉपर की रॉड डाल देते हैं अपन, तो एक कॉपर की रॉड है और एक कंपार्टमेंट इधर आ गया, ठीक है, और इसमें क्या भरा होता है सॉल्यूशन, इसमें है अपने पास कॉपर सल्फेट का वन मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें ये रॉड डिप्ड है, तो ये है वन मोलर कॉपर सल्फेट। अब मैंने क्या करा, जेड एन वाला पार्ट हटा के वहां एसएचई लगा दिया ना, और यहां सॉल्ट ब्रिज लगा दो, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 1 ATM एच टू गैस, ठीक है। अब यहां मैं सॉल्ट ब्रिज लगा रहा हूं इस तरीके से, ये लगा दिया मैंने इसमें सॉल्ट ब्रिज, और इसको कनेक्ट कर दो, स्विच लगा दिया, वोल्टमीटर वायर से कनेक्ट कर दिया इधर से, है ना,
तो अब आपको डायग्राम ऐसा दिख रहा होगा जो आपने बनाया, चेक कर लो। इधर आपका SHE आ गया और इधर क्या आ गया, कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, एनोड, और ये वाला पार्ट क्या है, कैथोड। अब SHE एनोड बन गई तो SHE की रिएक्शन क्या लिखेंगे, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो H2 कन्वर्ट होगा 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, सही है, ऑक्सीडेशन। और यहां होता है रिडक्शन, तो Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके बना रहा होगा कॉपर। दोनों को ऐड कर दो, नेट सेल रिएक्शन आ गई क्या, देखो सेल रिएक्शन, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से ऐड करोगे ना इधर, तो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्या दिखेगा, H2 प्लस Cu2 पॉजिटिव, इससे बन रहा है 2H+ प्लस कॉपर। ये मेटल है तो सॉलिड कर दिया, ये आयन है तो एक्वस कर दिया, ठीक है, और ये गैस है। ये हो गई सेल रिएक्शन। अब लिखेंगे क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बताओ, दो डंडे बनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज हो गया, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन और राइट साइड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जब कर रहे होगे तो किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, चेक करो, H2 से H+ और रिडक्शन किसका, Cu2 पॉजिटिव से Cu। अब हम यहां पर गैस है तो यहां वायर भी लिखेंगे जो यूज करते हैं अपन गैसीय इलेक्ट्रोड में, प्लेटिनम। ये गैस है, कंडीशन स्टैंडर्ड है तो 180m, ये एक्वस आएगा, ये एक्वस आएगा, ये सॉलिड आएगा। एक्वस के नीचे क्या लिख देते हैं, उसकी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, स्टैंडर्ड है तो 1 मोलर। अब लिखेंगे सेल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ध्यान से देखना जरा, जब सेल पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो जैसे पीछे लिखा था वैसे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, इस तरीके से लिखेंगे। कैथोड पर कौन है बताओ, कैथोड पर है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसका मुझे निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu निकालना है। और एनोड पे SHE और SHE का क्या मान के चलना है, UPC ने क्या बोला है, जीरो। और ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो यहां पे चमकता हुआ दिखेगा, जब स्विच को क्लोज करेंगे तब ये सब काम हो रहा होगा, और ये दिखता है आपको 0.34। तो जो E0 Cu2 पॉजिटिव से Cu है वो आ गया प्लस में 0.34 वोल्ट। अब जरा ध्यान देना, पिछले वाले का आंसर नेगेटिव में और इसका प्लस क्यों आया, जब कभी भी SHE एनोड की साइड लगी होगी तो आंसर प्लस में आया करेंगे, और जब कभी भी SHE कैथोड की साइड लगी होगी तो आंसर नेगेटिव आया करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, SHE पूरा पढ़ लिया, पोटेंशियल निकालना सीख गए। अब ऐसे ही बहुत सारे मेटल के और कुछ नॉन मेटल के जो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमने निकाल के पहले से रख लिए और उसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करनी पड़ती है, तो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा और उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, उससे रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, नोट करो।